हाय फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं शकरकंद का पुआ। ये शकरकंद भी बोला जाता है और हमारे यहाँ कोन भी बोला जाता है। ये तो हम शकरकंद का पुआ बनाने जा रहे हैं। देखिए, तो लिए हैं शकरकंद, सूजी लिए हैं आधा कटोरी, एक कटोरी आटा, ये नारियल का बुरादा लिए हैं बड़ा चम्मच से, 2-3 चम्मच, ये चीनी लिए हैं, ये भी लिए हैं 2-3 चम्मच ही बड़े चम्मच से। चीनी हम क्यों कम लिए हैं, क्योंकि ये भी मीठा है इसलिए हम चीनी कम लिए हैं। ये इलायची पाउडर लिए हैं। देखिए, चलिए अब हम इसको छील कर इसको हम तोड़ दे रहे हैं। इसको फोड़ना है तो हम आपको छील के इसको फोड़ कर दिखा रहे हैं। देखिए, हम छील लिए हैं इसको। इसको हम ऐसे गर्म है, हम गिलास के सहारे इसे ऐसे फोड़ लेंगे। ऐसे ही पूरा अच्छे से हम फोड़ ले रहे हैं, तब आपको हम दिखाते हैं। देखिए, इसे हम फोड़ लिए हैं। अब हम मिक्स करेंगे सारे सामान को। हम ये पतीले में मिक्स करेंगे। देखिए, पतीले में हम सूजी डाल रहे हैं, ये नारियल का बुरादा, चीनी, ये शकरकंद, आटा हम डाल रहे हैं, ये इलायची पाउडर। अब हम इसको मिक्स करेंगे। इसमें हम पानी डालेंगे। इसमें दूध भी डाला जाता है लेकिन हम दूध नहीं डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। देखिए, हम इसको मिक्स करके दिखा रहे हैं आपको। देखिए, हम पूरा अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। वैसे ही 5 से 6 मिनट के लिए हम ढक के छोड़ देंगे कि अच्छे से फूल जाए, तब हम बनाकर आपको दिखाएंगे। हम इसको ढक दे रहे हैं। देखिए, 5 से 7 मिनट हो गया है, ये सारा सामान फूल गया है। अब हम चलिए गैस की तरफ चलते हैं, कढ़ाई बैठाते हैं। देखिए, गैस को हम जलाएंगे। कढ़ाई को बटेंगे, इसमें तेल डालेंगे, अब तेल को हम गर्म होने देंगे। देखिए, हमारा तेल गर्म हो रहा है, तब तक हम इसको ऐसे ऐसे मिला ले रहे हैं कि और इस मिल जाए। देखिए, तेल भी हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालते हैं। ऐसे ही करके इसको बनाना है, सारे आटे को बनाना है। ऐसे ही करके हम सब बना लेते हैं, तब आपको दिखाते हैं।
इसको ऐसे ऐसे चारों तरफ से दबाना है कि कच्चा ना रहे। इसको हम तेल से बाहर निकाल लिए, अब हम इसको निकाल के अब उसमें हम दूसरा डालेंगे। ऐसे ही करके हम सारे पुए को बना लेंगे। हमारा शकरकंद का पुआ बनके एकदम रेडी हो गया है। अगर हमारा पुआ अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा बना है पुआ। तब तक मिलते हैं हम दूसरे रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।